बड़ी खबर आ रही है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं हापुड़ से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हापुड़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हापुड़ कचहरी के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। बदमाशों ने पेशी पर आए मुजलिमों को गोलियों से भूना। हरियाणा से पेशी पर हापुड़ आया था मुजलिम, गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। आपको बता दें जहां पर युवक को गंभीर हालत में और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बदमाशों की फायरिंग में सिपाही के घायल होने की भी सूचना है। थाना हापुड़ कोतवाली के कचहरी के बाहर का ये मामला है, थाना हापुड़ के कचहरी के बाहर का ये मामला है जहां पर फायरिंग की गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस युवक पर फायरिंग की गई है, हापुड़ कचहरी के बाहर का ये की ये घटना है जहां पर ये ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। हापुड़ कचहरी के बाहर ये हादसा हुआ है जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिस फायरिंग में बदमाशों ने पेशी पर आए मुजलिम को गोलियों से भूंदाड़ा। आप मुजलिम का शव देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिनमें आप साफ तौर पर मुजलिम का शव देख सकते हैं जहां पर उसको गोलियों से भूना गया है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर हापुड़ कचहरी के बाहर ये घटना बताई जा रही है जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आपको बता दें कि मुजलिम को पूरी तरीके से गोलियों से भून डाला, बदमाशों ने पेशी पर आए मुजलिम को गोलियों से भूना। आप मुजलिम का शव साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर लाए गए मुजलिम को भून दिया गया। बदमाशों ने आकर मुजलिम को भून दिया। आपको बता दें कि हापुड़ कचहरी के बाहर की यह घटना है जहां पर बदमाशों ने पेशी पर आए मुजलिम को गोली से भूना। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमन त्यागी। अमन, ये जो घटना सामने आई है जहां पर कचहरी के बाहर, हापुड़ कचहरी के बाहर मुजलिम को बदमाशों ने बुरी तरीके से भून डाला, जहां पर जो तस्वीरें हम साफ तौर पर देख सकते हैं, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है, जो हापुड़ कोतवाली नगर है उससे चंद कदमों की दूरी पर हापुड़ कचहरी परिसर है, जहां पर आज जो है एक आरोपी यहां पर पेशी के लिए आया था और यहां पर जो है तीन अज्ञात बदमाशों ने जो है 7 राउंड फायरिंग उस पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिस पर जो है बदमाश मौके से फरार हो गए। हालांकि यहां पर जो है जो मुजरिम है उसकी हालत बड़ी नाजुक बताई जा रही है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे भी पहले कोई एक मामला और था जहां पर बदमाशों ने कचहरी में परिसर में बढ़कर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। हालांकि इस पर पुलिस पर बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं और ये जांच का बड़ा विषय है। जी, तो जिस तरीके से बाहर बदमाश आ जाते हैं और बदमाश फायरिंग करते हैं और एक मुजलिम को गोलियों से भून कर चले जाते हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन, क्या वहां पे एक भी पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था जो रोकने वाला हो? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि कचहरी के परिसर के बाहर जो है पुलिस चेकिंग करती है और हालांकि चेकिंग के नाम पर केवल खानापूर्ति करती है। इसके चलते हुए जो है आरोपी को जो है यहाँ पर बदमाशों ने गोली मारी और बदमाश अंदर एंट्री कर जाते हैं। जी, धन्यवाद अमन। तो आपको बता दें कि ये हरियाणा से पेशी पर हापुड़ लाया गया था मुजलिम, जहां पर ये कोर्ट के बाहर, हापुड़ कोर्ट के बाहर उसे गोलियों से भून डाला गया बदमाशों के द्वारा। देश भर के